हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको क्रॉस पट्टी की कटिंग बता रहे हैं। जब भी हमें राउंड नेक है या कहीं पाइपिंग करना है तो क्रॉस पट्टी की ही आवश्यकता होती है। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कितना चौड़ा क्रॉस पट्टी काटा जाए, तो आज उसके लिए हम आपका ये वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प होगा। सबसे पहले आपका जो क्लॉथ है उसको आप एक ट्रायंगल फोल्ड कर लीजिए। ऐसे ट्रायंगल फोल्ड करके ये कट करके निकाल दीजिए। इसको यहाँ से ऐसे ये कट करके निकाल दीजिए। और अब यहाँ से यहाँ की जो हमारी चौड़ाई है, बीच वाली चौड़ाई, अगर आप स्केल से कट कर रहे हैं तो 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए या 3.5। और अगर आप इंच टेप से कट कर रहे हैं, अगर आप इंच टेप से कट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये 1.5 इंच होनी चाहिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। ऐसे ही आप, अभी आप नए हो तो ऐसे ही आप स्केल से ऐसे तिरछा तिरछा निशान लगा लीजिए। ऐसे जितनी आवश्यकता है उतना निशान लगा सकते हैं। क्रॉस पट्टी आवश्यकता के हिसाब से कट सकती है, मोटी पतली भी हो सकती है, और जितना ज़रूरत है उतना काट सकते हो। अगर आप कहीं लगा रहे हो अच्छे लुक आने के लिए, तो आप कपड़े के अपोजिट कलर में अगर क्रॉस पट्टी लगाएंगे तो आपका कपड़ा बहुत सुंदर खिल के आएगा। इसलिए क्रॉस पट्टी का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। इसकी चौड़ाई जो है, यहाँ से यहाँ जो चौड़ाई है 4.5 सेंटीमीटर, या फिर अगर इंच टेप से ले रहे हो तो 1.25 इंच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम आपको काट के दिखा रहे हैं। अब हम आपको इसको जोड़ने का तरीका बताएंगे कि कैसे इसको जोड़ना है। आप हमेशा ये ऐसे आना चाहिए, जोड़ने के बाद इसका ये ऐसे आना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान दे दीजिए। तो आप कभी भी कैसे जोड़ना है, इसका जो कम वाला पार्ट है, इसका जो ज़्यादा वाला पार्ट है, इस दोनों को ऐसे ऊपर रखना है, ऐसे करके। अब आप इसको जोड़ सकते हैं, यहाँ से इसको आप जोड़ सकते हैं। आप मशीन पे सिलाई कर रहे हैं तो डबल सिलाई कर लीजिए, मजबूत सिलाई हो जाएगी। ऐसे जोड़ने के बाद आप देखेंगे तो हमेशा ये चीज़ ऐसे एकदम सीधी पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, एकदम सीधी पट्टी बन के तैयार हो गई। ऐसे अगर आप कहीं काट के अगर पाइपिंग कर रहे हो, या वहाँ आप गोल पाइपिंग कर रहे हो या डोरी पाइपिंग कर रहे हो, अगर या आप हेमिंग कर रहे हो गले पे कहीं भी, तो आप ऐसे काट के आप लगा सकते हो।